हेलो प्यारे पीपल, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वॉइस ओवर व्लॉग। और इस दिन मेरे भाइयों का उपनयन संस्कार था एंड हम लोग 3 से 4 बजे के बीच उठ गए थे एंड बाय 7:30 वी वर ऑल रेडी। एक सेब खाया था बस। सो द प्लेस वेयर वी हैड टू परफॉर्म द रिचुअल वॉज अबाउट 6 to 8 kilometers फ्रॉम आर प्लेस। सो वी हैड बुकड अ टैक्सी जिसमें हम लोग सब लोग गए थे और मेरे कजिन्स वो स्कूटी में आए थे दोनों, फाइनली लास्ट बार उनके बालों का फील लेने के लिए। सो हम सब लोग थोड़ा हंसते खिलखिलाते बहुत सारे भजन सुनते हुए चले गए एंड थोड़ा वादियाँ भी इंजॉय करते हुए। एंड देन व्हेन वी फाइनली रीच्ड हियर वी वर ऑल क्लूलेस कि कहाँ जाना है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता था हमको। देन वी फाइनली फाउंड आउट और फिर हम पहुँच गए थे। फिर दिन का रिजॉल्ट डेक्ड अप इन अ साधु वाइब एंड या ये प्लेट सज रही है पूजा के लिए, मामी सजा रही है। फिर एग्जैक्टली 9 बजे पूजा पाठ शुरू हो गया था। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर से ओ। सो देन ऑल द रिचुअल्स बिगैन और मेरे मामा मामी फुल ऑन ट्रेडिशनल्स में तैयार हो रखे थे और यहाँ पर मेरे भाइयों के बाल कट रहे हैं। और जो मेरा दूसरा भाई है ही इज़ लाइक अ प्राइवेट पर्सन और उसने मुझे कहा था मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, तो मुझे अपना सारा कंटेंट अपने छोटे भाई से जनरेट करना पड़ा और यहाँ पर उसके बाल कट रहे हैं। दोनों अच्छे लग रहे थे गंजे में, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था। और फिर उसके सर पर स्वास्तिक बनाया गया एंड फिर उनके मुँह में एक एक मिठाई ठूस दी गई और उन दोनों के कान छेद दिए गए। फिर शुरू हुआ हवन जिसमें मैंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, पर गर्मी से पूरा रेगिस्तान वाला फील्स आ रहे थे, इतनी गर्मी हो रही थी। स्वाहा। उसके बाद 4-4:30 बजे पूरा रिचुअल ख़त्म हुआ और हम चितई माता के मंदिर आए आशीर्वाद वगैरह लेने और यहाँ पर निधु और मैं प्रसादी ले रहे हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। चितई मंदिर में आपको लेटर्स लिखने होते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, तो कुछ लोगों ने हमने बहुत सारे लेटर्स पढ़े, वैसे पढ़ना नहीं चाहिए था। और एक लड़के ने लिटरली लिखा था कि मैं ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत जाऊं और एक ने लिखा था मुझे कपिल शर्मा में एज अ गेस्ट इनविटेशन मिल जाए। और क्योंकि हम लोग सुबह से सब भूखे थे तो वहाँ पर हमने फिर प्याज और आलू की पकौड़ियाँ खाई और उनकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। चाय आने तक तो ख़त्म भी हो जाएगा। तुम्हारे खा के खाऊंगा तो हम लोग दो ही तो कितने करते हैं, एक तू खा रहा होगा। हाँ एक हम बैठ लेंगे, दो मिनट इंग्लिक बस हो गया। ले क्या है बाजार में। फिर सब लोग गाड़ी से आ रहे थे और मैं अपने भाई के साथ स्कूटी में आ गई। और फिर मेरा भाई घर आते टाइम हम लोग मोमोज ले आए और जब सब लोग आ गए फ्रेशन अप हो गए अच्छे से, फिर हम सब लोगों ने मोमोज खाए बहुत सारे। ये सिर्फ हाफ मोमोज हैं जो हम लाए थे, हाफ और हैं, मतलब 4-5 पीस तो मैंने अच्छे से खाए। फिर देन वी हैड आर डिनर आल्सो बहुत सारा एंड देन वी वेंट टू स्लीप। हम लोग बहुत थक चुके थे, वैसे हमने गप्पे भी मारी बहुत, पर स्टिल फिर भी हम सो गए थे 11 बजे तक। और मेरे कजिन्स के नाना जी, उनको IPL बहुत पसंद है तो वो रात रात में देख रहे थे। एक बार तो उनको नींद भी आ गई थी और मैच भी चल रहा था, कितने क्यूट हैं। हवाबाजी तो कर थोड़ी, ये डाल दूंगी जो तू बोल रहा है। आपने काजू और उसके खाने के डालती ना, जो काजू निकाल के खा रही थी तू,
तो वैसे तो हम आज जाने वाले थे पर एक और पूजा थी तो हम आज भी रुक गए। और फिर मैंने नहाया वगैरह और ब्रेकफास्ट में सिर्फ नमकीन खाई थी और ये आरती आ गई, पूजा हो गई थी जल्दी। फिर हमने एक साथ ही लंच कर लिया, दाल भात वगैरह सब। और फिर हम लोग लाइट्स आउट मूवी देख रहे थे जो जिसमें मुझे बीच में नींद आ गई मैंने क्योंकि देखी हुई है ऑलरेडी। तो फिर हमने चाय पी और ये हमने सोचा 4-4:30 बजे कहीं घूमने जाते हैं। दो गिनने तक आ जल्दी, एक, तीन, W, O, two, अच्छे से खड़े हो जिनी धू। हाँ। टू तो हो गया, कम ओके इट्स डन ब्रो। फिर उसके बाद जब सब फाइनली तैयार हो गए थे तो मैं और मेरे सारे कज़न्स और मेरे छोटे मामा हम लोग ऊपर कैंट एरिया को घूमने गए थे। मुझे अपना कैमरा साफ़ कर लेना चाहिए था इसीलिए धुंधला धुंधला आ रहा है, पर ये व्लॉगिंग के चक्कर में ठुकती ठुकती बची। They would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are. अबे वो कहाँ पहुँच गए? पीछे भी देख लिया करो। कौन से लोगे? गुआवा ऑरेंज? मैं ऑरेंज। तू कौन से लेगी? गुआवा ले लेता हूँ। ऑरेंज लो मामा, मुझे गुआवा चाहिए। बहुत अच्छा होता है ये सच में होता है क्या ऐसा? मतलब असली उसका होता है कि शुगर एडेड होता है? ऑब्वियसली शुगर एडेड। मुझे ये टेस्ट करना है। अरे गुआवा है। अरे मेहंदी लगवा लो। ऑरेंज है, इसका टेस्ट कर लो। मम्मी वो ये ज़्यादा बेटर। मुझे भी गुआवा बेटर था ना? नहीं ऑरेंज। ऑरेंज भी अच्छा है, मुझे गुआवा अच्छा। गुआवा में ज़्यादा मीठा है। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ी पेट पूजा हो जाए। आओ भाई। अपने भी ले लो एक चलती हुई। How was your day? It was good. Just good? वो थुपका ने तो हमारे पेट में आग लगा दी। मेरे भी एकदम फायर सी लगी हुई है। हाँ, हमने फर्स्ट टाइम खाया था ना वो, ऊपर से मैंने इसमें वाला सॉस भी डाल दिया वो मोमो। हाँ, इसने एक्स्ट्रा मोमो चटनी डाल दी उसमें कि उसको और मतलब पेट में और आग लगा लूँ मैं। आइसक्रीम खाने के बाद ठीक लग रहा था। हाँ। बट बताऊँ फिर अभी वापस वैसा ही लग रहा है गर्म सा। कोई नहीं, कल पता चलेगा सुबह। फिर 7-7:30 बजे तक घर आते हुए हमें एक बुक स्टोर दिखा तो हमने सोचा कि लेट्स बाय अ नॉवल। जो वहाँ बुक्स रखी हुई थी तो उनका प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने सोचा ऑनलाइन थोड़ा सस्ता ख़रीद लूँगी। पर फिर मुझे एक बुक दिखी, उसका प्राइस भी ठीक था, 250 था, तो मैंने सोचा कि लेट्स बाय इट। और फिर मैंने वो ख़रीद ली और ये मेरी बुक है और निधु ने कहा मैं ये पढ़ूँगी तो ये उसकी। अच्छा ये सरकारी है क्या अल्मोड़ा किताब घर? नहीं तो सरकारी नहीं है।
मुझे लगा मैडक है। फिर हम पहुंच गए घर और हमने करा अपना डिनर एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगले दिन हम लोग हल्द्वानी वापस आ गए थे, मैंने वो व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं व्लॉग करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाई।